अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र से आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो जैसा कि आपको पता है कि रात जो है PSL 7 का फाइनल था, माशाल्लाह वो मैच था जी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। तो बहुत अच्छा और सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला, लेकिन मेरी सपोर्ट मुल्तान सुल्तान के साथ ही तो जो है, लेकिन गुड लक लाहौर कलंदर का कि वो उन्होंने रात अच्छा परफॉर्मेंस की, अच्छी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और वो चैम्पियन बने। तो वैसे भी पिछले 2-3 मैचों से लाहौर कलंदर ने हर आने वाली टीम को टफ टाइम दिया और मैच जीता। शुरू में जब PSL स्टार्ट हुआ तो लेकिन ऐसा कुछ भी तो की ही नहीं जा रही थी कि जो है ना ये इस मत पर चैम्पियन बनकर सामने आया। पिछले 6 जो सेशन गुजरे हैं PSL के उसमें लाहौर कलंदर एक मरतबा सब फाइनल में गई है लेकिन जीत ना पाई। हर फ्रेंचाइज ने जो है वो PSL 7 की चैम्पियन बनी, लेकिन लाहौर कलंदर अभी तक PSL 7 की जो है वो चैम्पियन टीम नहीं बनी थी। तो वो भी बन गई, लेकिन फिर भी जो भी है एक टीम तो हमारी पाकिस्तान की है। चाहे हम मुल्तान को सपोर्ट करें, लाहौर को, पेशावर को, इस्लामाबाद को, कोयटा को, कराची को, जिसको भी सपोर्ट करें, लेकिन है तो हमारी पाकिस्तान की टीम्स। उस टीम में जिसने भी मैच विन किया, जो चैम्पियन बनी, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर भी थे जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी फील्डिंग की, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और अच्छी बैटिंग, जिसने भी परफॉर्मेंस दिखाई उसमें नाम पाकिस्तान का ही रोशन हुआ है, पाकिस्तान की क्रिकेट ही प्रमोट हुई है। और इस तरह से एक आन जो दूसरे ममालिक है उनको एक अच्छा पैगाम जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के इश्यूज कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा PSL 7 जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरा है। तो नेक्स्ट भी इसी तरह की तोक्को है कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर PSL 8 आएगा तो इंशाल्लाह और तरक्की मिलेगी हमारी PSL को। माशाल्लाह PSL जो है ना इस वक्त तो दुनिया में एक मकबूल तरीन जो है लीग बन चुका है। तो अल्लाह ताला इसको ऐसे ही तरक्कियां देता रहे और हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।